फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या पीपीटी कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, चाहे हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, या कोई इंडस्ट्री में काम करने वाले या किसी ऑफिस में काम करने वाले प्रोफेशनल हो, हमें अक्सर जरूरत पड़ती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की। लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कोई कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करें। तो मैंने जो ये वीडियो बनाई है इसी पर्पज से बनाई है। जितने भी हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वो इस वीडियो को देख के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीख सकें और उनके जो डाउट हैं पीपीटी को लेके उन सबको क्लियर कर सकें। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको खोलनी है पीपीटी की नई फाइल। तो आपने पीपीटी की फाइल खोली। जैसे ही आप फाइल खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो नेम आएगा वो आएगा न्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हमें इसको रीनेम कर देना है जिस नाम से हमें पीपीटी बनानी है। तो मैंने इसको बनाना है AYT बिजनेस सॉल्यूशंस की प्रोफाइल, तो मैंने इसी नाम से इसको रीनेम कर दिया। अब इसको हम खोलेंगे। जैसे हम खोलेंगे तो हमें पहली जो स्लाइड दिखेगी वो दिखेगा क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड ऐड हो जाएगी। जैसी आपकी स्लाइड ऐड हो गई, आपने इसके बाद जाना है तीसरे नंबर की जो टैब है डिजाइन। डिजाइन टैब में जाएंगे तो डिजाइन टैब में जाते ही आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे। एक तो ये डिजाइन के दिखेंगे, डिफरेंट साइज की जो डिजाइन हैं, आप यहाँ से डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं आपको अपनी पीपीटी का डिजाइन कैसा रखना है। तो मुझे जो पसंद है ये क्रॉप वाला डिजाइन पसंद है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आपको ये कलर पसंद नहीं जो बाय डिफॉल्ट इसमें डिजाइन में आ रहा है, तो आप इस कलर को यहाँ वेरिएंट्स वाला जो टैब है इसमें भी जाके यहाँ से कलर ऑप्शन में जाके चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ब्लू कलर पसंद है तो मैं इसको लाइट ब्लू कलर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन बनाना। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है कवर पेज बनाना है। कवर पेज ही बोल देते हैं या टाइटल पेज ही बोल लेते हैं, तो हम इसको बनाएंगे। इसमें मैं पहले डाल देता हूँ अपनी कंपनी का नाम AYT बिजनेस सॉल्यूशंस। इसके बाद हमने डालना है सबटाइटल। सबटाइटल क्या हो गया, कंपनी प्रोफाइल। अब ये जो फॉन्ट है मुझे एक लाइन में लेके आना है। एक लाइन में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा कोने से पकड़ के खींच दूंगा और ये जो फॉन्ट साइज है इसको होम टैब में जाके थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, एक लाइन में सारा फॉन्ट आ गया। अब मुझे इसमें लोगो लगाना है, फर्स्ट स्लाइड के ऊपर अपना कंपनी लोगो लगाना है। कंपनी लोगो लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा और इंसर्ट टैब के अंदर पहला जो ऑप्शन है पिक्चर्स में जाऊंगा। पिक्चर्स में गया, जहां मेरी पिक्चर्स सेव है जो मुझे यहां लगानी है उस फोल्डर के अंदर मुझे जाना है। तो मेरी जो पिक्चर है वो सेव है यूट्यूब ट्यूटोरियल में पिक्चर फोल्डर के अंदर। तो यहां से मैं गया और मैंने AYT लोगो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्ट कर लिया, ये लोगो आ गया और मैंने इसको इतना अगर बड़ा करना है तो बड़ा कर दिया। अब इसको दोस्तों मुझे ना स्लाइड के बीचों बीच लगाना है, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ से जैसे पिक्चर मैंने सिलेक्ट करी, ये ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है पिक्चर टूल फॉर्मेट में गया। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा अलाइन। अलाइन में जाके मैंने इसको कर देना है सेंटर। जैसे ही मैं इसको सेंटर करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको जिस भी डायरेक्शन में सेट करना चाहो वहां सेट कर सकते हो। अलाइन लेफ्ट तो लेफ्ट में लग जाएगा, अलाइन राइट तो राइट में लग जाएगा, अलाइन मिडिल तो मिडिल में आ जाएगा। तो मुझे ये लगाना है अलाइन सेंटर में, तो मैंने इसको अलाइन सेंटर कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या है, टाइटल पेज तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें करनी है लेनी है नई स्लाइड। नई स्लाइड लेने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से इंसर्ट टैब में जाके न्यू स्लाइड जो दिख रहा है आप यहाँ से जिस भी तरीके की आपको स्लाइड चाहिए उस हिसाब से आप स्लाइड ले सकते हो। आपको सिर्फ टाइटल स्लाइड चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट चाहिए, सेक्शन हेड चाहिए, XYZ जो भी चाहिए, या कोई कंपेरिजन चाहिए कंपेरिजन स्लाइड भी ले सकते हो आप यहाँ से। मुझे चाहिए टाइटल और कंटेंट स्लाइड, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया टाइटल कंटेंट स्लाइड आ गई। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जैसे ही मेरी स्लाइड है इसके बाद मैं एंटर मार देता हूँ तो मेरी न्यू स्लाइड बाय डिफॉल्ट आ जाती है। तो शॉर्ट की क्या बताई मैंने, एंटर की मार देनी है। तीसरा ऑप्शन क्या है, आपकी जो ये स्लाइड है इस पर आप राइट क्लिक करिए और न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी बाय डिफॉल्ट नई स्लाइड आ गई। तो मैंने आपको तीन ऑप्शन बना दिए नई स्लाइड लाने के। अब हम चलते हैं इससे आगे। अब हमें इसमें ऐड करनी है अपनी कंपनी प्रोफाइल की पहली स्लाइड। पहली स्लाइड क्या है हमारी, अबाउट अस। मैंने यहां लिखा अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस लिख गया।
इसका मुझे थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, होम में जाऊँगा और यहाँ से फॉन्ट्स बढ़ा दूंगा। अगर इसका फॉन्ट स्टाइल मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ जिस भी तरीके का मुझे, जैसे एरियल राउंडेड लेना है तो एरियल राउंडेड आ जाएगा, और जो अल्जीरियन लेना है अल्जीरियन आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है वही वाला फॉन्ट हम ले लेते हैं। इसमें अबाउट अस आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये अपर केस करनी है, जो हेडर है मुझे अपर केस करना है। उसके लिए लोग क्या करते हैं, जनरली टाइप करते हैं दोबारा से कैप्स ऑन करके, उसकी जरूरत नहीं है। आपको यहाँ दिखेगा होम टैब के अंदर ही चेंज केस, चेंज केस में जाके आप इसको अपर केस कर सकते हो, यहीं से आप इसको लोअर केस भी कर सकते हो, यहीं आप इसको सेंटेंस केस भी, मतलब जिस भी स्टाइल से आपको रखना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस, वो भी आप कर सकते हो। मुझे रखना है अपर केस तो मैंने अपर केस कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ डालना है अबाउट अस में अपनी डिटेल्स जाननी है कि अबाउट अस में मैं क्या क्या डालना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ जो डालना है वो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो मैं उसको सीधा यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा यहाँ पे ऐड हो गया अबाउट अस। ठीक है दोस्तों, अगर इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है, कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, मुझे चेंज नहीं करना तो मैं वापस वही कलर कर देता हूँ। इनके बीच में क्या है कि हमें थोड़ा डिस्टेंस अगर बढ़ाना है तो हम यहाँ ऊपर जाके ये फॉन्ट के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारी स्लाइड थोड़ी भरी भरी लगे। तो हमने ये फॉन्ट का डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो ये हमारा पहला स्लाइड जो है वो तैयार हो गया। इसके बाद हमें दूसरी स्लाइड जो है वो तैयार करनी है, आवर सर्विसेज। आवर सर्विसेज पे जाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं नई स्लाइड ले लूँ, जैसा मैंने पहले बताया था तीन तरीके, तीनों में से किसी भी तरीके से नई स्लाइड ले लूँ, या मैं इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड कर दूँ। तो डुप्लीकेट स्लाइड में क्या होगा, जो मेरी फॉर्मेटिंग वगैरह है वो सेम रहेगी। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, डुप्लीकेट स्लाइड। उसका जो हैडर है उसको मैंने बदल दिया, हैडर बदल के मैंने क्या कर दिया, आवर सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, परचेज कर दिया, आवर सर्विसेज हो गया। अब जो अवर सर्विसेज है मैं क्या करूंगा, उनको ये वाली जो पुरानी चीज है इसको डिलीट कर दूंगा, और जो अवर सर्विसेज है उनको यहाँ पे टाइप कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी उनको कॉपी किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ये मेरी सारी सर्विसेज आ गई। अब ये जो है ना देखने में थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा ना विजुलाइज कर सकते हैं। विजुलाइज करने के लिए क्या होता है, इंसर्ट टैब में आपको मिलता है स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो या तो आप सीधा जाके यहाँ से स्मार्ट आर्ट ले लो, जिस भी तरीके का आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए। ठीक है, स्मार्ट आर्ट लिया और इस पर ये जो एरो वाली निशान है यहाँ क्लिक किया, और जो आपके फॉन्ट जो आपने टाइप करना है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये आपका स्मार्ट आर्ट तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्मार्ट आर्ट तैयार हो गया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो ये तरीका है स्मार्ट आर्ट का, दूसरा क्या है कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, जो मेरा फॉन्ट है जिसको मुझे स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, जो भी स्मार्ट आर्ट पसंद है उसको मैंने चेंज कर दिया। अब मुझे ये वाली स्मार्ट आर्ट पसंद है। इसमें क्या है कि एक तो डिटेल आ गई, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, ऊपर तस्वीर आ गई। अब इसमें तस्वीर का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से जाके तस्वीर सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ आपकी तस्वीर पड़ी हुई है वो आपने यहाँ तस्वीर लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ क्या किया, तस्वीर लगा दी। जैसे आपने पहली पिक्चर लगाई उसी तरीके से आप रिपीट करके सारी की सारी पिक्चर्स लगा सकते हो। तो ये हमारी क्या है, स्मार्ट आर्ट तैयार हो गई और हमारी अवर सर्विसेज वाली स्लाइड तैयार हो चुकी है। अब हम चलेंगे अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड है हमारी कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक हमने यहाँ टाइप किया, कस्टमर फीडबैक। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि सेम यही फॉन्ट स्टाइल रखना है जो पहले का था। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये सेम जो हमारा पुराना स्टाइल है उसी के हिसाब से हो जाएगा। अब मुझे कस्टमर फीडबैक के अंदर जो है इमेजेस लगानी है। इमेजेस लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा बॉक्स है यहाँ पे मुझे कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चार्ट के ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप ऊपर जो लिंक दिख रहा है उसमें जाके देख सकते हो। यहाँ मुझे डालनी है पिक्चर, तो मैं इंसर्ट पिक्चर में गया, जहाँ मेरी पिक्चर्स पड़ी हैं मैंने वो पिक्चर्स उठा ली। एक साथ तीन या चार जितनी भी पिक्चर चाहो आप उठा सकते हो, मैंने तीन पिक्चर लगानी है, तीनों पिक्चर उठा ली। अब मुझे इनका जो है साइज रिड्यूस करना है या साइज जो है सेट करना है स्लाइड के हिसाब से। एक तरीका है मैं इसको कोने से पकड़ के कर दूँ, या दूसरा तरीका है कि जो मेरी इमेज है
उसको मैं सिलेक्ट करूं और यहां पे उसका साइज डाल दूं, तो ये बाय डिफॉल्ट उसी रेशियो में अपने आप चेंज हो जाएगी। तो ये मेरी जो है तीनों इमेजेस सेम साइज की हो चुकी हैं। दोस्तों एक ये आपको लाइन दिख रही होगी ऊपर, ये क्या है, इसमें हमें लाइन मिलती है डायरेक्शन की, ये हमें बताती है कि ये हमारी जो लाइन है, ये जो हमारी इमेजेस वगैरह है, अलाइन है या नहीं है। तो आप इससे अलाइनमेंट भी चेक कर सकते हो। ये हमारी तीनों इमेजेस आपस में अलाइन है और इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी इक्वल है। अब ये जो इमेजेस हैं, हम इनको थोड़ा ना स्टाइलिश बना लेते हैं या थोड़ा सा इनमें विजुअल इफेक्ट ले आते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमने इमेज सेलेक्ट कर ली और ये फॉर्मेट टूल जो दिख रहा है ऊपर पिक्चर का, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जिस भी तरीके से चेंज करना चाहो उसमें इमेजेस को आप चेंज कर सकते हो, फ्रेम जिस तरीके का फ्रेम डालना है। तो मुझे ये डालना है ये वाला फ्रेम, जिससे कि ये लगे कि ये मेरे सर्टिफिकेट फ्रेम्ड है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेम्ड वाला डाल दिया। तो ये मेरी कस्टमर फीडबैक वाली भी स्लाइड जो है तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमें सीखना है कि अगर हमें कोई शेप वगैरह इंसर्ट करनी है या शेप के अंदर कुछ लिखना है या टेक्स्ट बॉक्स अगर कोई इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं बनाऊंगा अगली स्लाइड जो है मेरी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट वाली। तो मैंने यहाँ टाइप किया कंप्लीटेड प्रोजेक्ट और यहाँ एक इंसर्ट करी इमेज। इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, अगेन थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया, ठीक है, टिल्ट करके थोड़ा सा स्टाइलिश हो गई। अब हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाएंगे और ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको शेप्स वाला, यहाँ से हमने कोई शेप्स लेनी है, जिस भी तरीके की आप शेप लेना चाहो, इंसर्ट में बहुत सारी शेप्स अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ली एरो शेप, एरो शेप आ गई। इसको भी आप अगर डिज़ाइन को चेंज करना चाहो, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहो, तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेट टैब के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। अब मुझे शेप के अंदर टाइप करना है, ये पावर पॉइंट की खासियत है कि आपको किसी भी शेप के अंदर टाइप करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा शेप को सिलेक्ट करो और टाइप करना शुरू कर दो। तो मैंने यहाँ पे शेप सिलेक्ट किया और यहाँ पे टाइप किया शॉप फ्लोर पिक्चर, हो गया टाइप। अब मुझे यहाँ डालना है नीचे कंपनी का नाम। कंपनी का नाम डालने के लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और ये टेक्स्ट बॉक्स, जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करूँगा ये सिंबल इस तरीके से चेंज हो जाएगा कर्सर। अब जितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स डालना है उतनी बड़ी मैं इसको पकड़ के खींच दूंगा। यहाँ मैं डालना है मेरे को कंपनी का नाम, तो मैंने यहाँ डाल दिया टेक्नोमैक इंडस्ट्रीज फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है दोस्तों। इसको भी आप टिल्ट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि जैसे आपने ये जो इमेज है थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, मुझे बॉक्स भी थोड़ा सा टिल्ट करना है, तो इसको भी आप ऐसे घुमा सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको भी इमेज के डायरेक्शन में थोड़ा सा घुमा देते हैं। अगर आप इसको फिल करना चाहो, इसको कुछ कलर देना चाहो या फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहो, फॉन्ट कलर चेंज करना है तो होम में जाके हमने फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज कर दिया, लेकिन हमें क्या करना है कि ये बॉक्स का कलर चेंज करना है, तो आप ड्राइंग टूल में गए और जिस भी कलर का आपको बॉक्स करना है उस कलर में हमने इसको कर दिया। तो ये हमारा टेक्नोमैक इंडस्ट्रीज कंप्लीटेड प्रोजेक्ट तैयार हो गया। तो हमारी चार स्लाइडें तैयार हो गई। अब हम थैंक्स नोट वाली स्लाइड तैयार कर लेते हैं। थैंक्स नोट के लिए सेम एंटर मारूंगा, नई स्लाइड ले लूंगा। हमने यहाँ लिख दिया थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है दोस्तों, नीचे की जरूरत नहीं है, ये डिलीट कर दिया, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, सेंटर लाइन कर दिया और इसको पकड़ के हमने खींच दिया। अब इसमें भी जो फॉन्ट स्टाइल होते हैं हमारे, आप इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, जैसे आपने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, ड्राइंग फॉर्मेट में गए, आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये किसी भी तरीके का आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, या यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट में जा सकते हो, जैसे आपको कोई शेडो डालनी है, ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन डालनी है, ग्लो इफेक्ट डालना है, वीवल इफेक्ट डालना है, या आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट डालना है कि आपको टेक्स्ट दिखाने हैं, टेढ़े दिखाने हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मुझे इसमें सिर्फ डालना है रिफ्लेक्शन, तो मैंने यहाँ से रिफ्लेक्शन चूज कर लिया। दोस्तों ये हो गई हमारी प्रेजेंटेशन तैयार। अब इसमें एक चीज़ और रह जाती है, वो रह जाती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के लिए क्या करना है, आपको जाना है ट्रांजिशन टैब में। ट्रांजिशन क्या होता है,
कि जब आप इसको नॉर्मल स्लाइड स्लो में चलाओगे तो ये सिर्फ स्लाइड आपको चलती हुई दिखेगी। जैसे आप नन कर रहे हो, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप इसको स्लाइड स्लो में चलाओगे तो नॉर्मल स्लाइड चलेगी ऐसे, ठीक है। लेकिन हम जब ट्रांजिशन डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन टाइम के अंदर बहुत सारे ट्रांजिशंस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। डिजॉल्व है, ओरिगामी है, एयरप्लेन है, फॉलोवर है, ब्लाइंड्स है, स्प्लिट, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ हनीकॉम वाला, ठीक है। तो ये हनीकॉम इफेक्ट में आएगा, या मैं अगर इसको सिलेक्ट कर लूँ डोर वाला तो डोर इफेक्ट में आएगा। आप जिसमें भी सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। मैं यहाँ कर रहा हूँ क्यूब, ठीक है। क्यूब वाला सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ कर दिया अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल किया, सेव किया। फिर इसको हम स्लाइड शो देखेंगे। स्लाइड शो देखने का दो तरीके हैं। आप एक तो यहाँ स्लाइड शो टैब में जाके फ्रॉम द बिगिनिंग कर सकते हो या करंट स्लाइड। फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब है जिस स्लाइड से शुरू हो रही है प्रेजेंटेशन, वहां से शुरू हो जाएगा स्लाइड शो। करंट स्लाइड का मतलब है अगर मैं तीसरे नंबर की स्लाइड से शुरू कर रहा हूँ तो तीसरे नंबर से शुरू होगा, ठीक है। तो हमें करनी है फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग सेलेक्ट किया तो ये हमारी स्लाइड शो शुरू हो गई। आप जैसे ही माउस दबाएंगे या फिर आप एरो डाउन बटन दबाएंगे तो ये आपका स्लाइड शो होना शुरू हो जाएगा। ये हमारी प्रेजेंटेशन हो गई। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आप सीधा F5 दबा सकते हो। जैसे ही आप F5 दबाओगे तो ये स्टार्टिंग से स्लाइड शो आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और आप ये सब देखने के बाद एक प्रेजेंटेशन बना पाएंगे बहुत ही आसानी से। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ पावर पॉइंट से रिलेटेड, जो थोड़ी एडवांस लेवल की होंगी, जिसमें एडवांस एनिमेशन होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।